हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार। आज हरियाणा जीके की जो चार जिले हमने इससे पहले करवाए और आज पांचवां जिला पढ़ेंगे सोनीपत। सोनीपत जिला लोकेशन देखेंगे भाई कहाँ पड़ता है या किस जगह पड़ा है। माँ बोली मैं आनंद हरियाणवी में सोनीपत है जो इसके उत्तर में, मान लो ये सोनीपत है, उत्तर में क्या पड़ता है पानीपत, और पश्चिम में क्या पड़ेगा जींद, ठीक है, और बिल्कुल दक्षिण में क्या है दिल्ली, और इधर यूपी का जो बागपत है, बागपत, और इधर क्या है रोहतक व जज्जर। ये तो है इसकी स्थिति। दोबारा देखो, सोनीपत के ऊपर पानीपत और इधर बिल्कुल पश्चिम में क्या पड़ता है जींद, और पूर्व में यूपी है जो उत्तर प्रदेश है उसका कौन सा जिला पड़ता है बागपत, वही बागपत जो महाभारत काल के दौरान युधिष्ठिर ने पांच गांवों की मांग की थी, उनमें से बागपत का एक एरिया है दिल्ली, और इधर रोहतक और जज्जर। तो पानीपत से कितनी सीमा लगती है, एक पानीपत, दो जींद, तीन रोहतक, चार जज्जर। जिले तो चार लेकिन दो, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और यूपी का कौन सा बागपत, ये सीमा बनाता है। क्लियर यहां तक। इसके बाद देखो भाई जो स्थापना है वो कब हुई, इसकी स्थापना की बात करें हम 22 दिसंबर 1972 को ये अलग जिला बना था रोहतक में से कटकर, ये इसकी स्थापना है। अगर जनसंख्या की बात करें इसकी 2011 के अनुसार लगभग 14.5 लाख यानी 14,43,000, और कितनी है 14.5 लाख। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वो पड़ता है 2260 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। यहां तक क्लियर। और इसके अंदर तहसील की बात करें, तहसील तो एक तो पड़ेगी सोनीपत, सोनीपत खुद एक पड़ेगी सोनीपत भाई, तहसील देखो सोनीपत और एक गोहाना, गन्नौर, सोनीपत, गोहाना, गन्नौर और खरखोदा, ये इसकी क्या है तहसीलें हैं। उपमंडल की बात करें, उपमंडल यही बनेंगे सोनीपत, गोहाना, गन्नौर, खरखोदा, और उप तहसील एक तो बनेगी राई, जहां पे क्या है मोतीलाल नेहरू खेल स्टेडियम, बाद में कराऊंगा, और एक है राई, राई के साथ है आपका खानपुर कला, खानपुर कला, ठीक है। दोबारा देखो ये सोनीपत की जो सीमा है ये कहां कहां किससे लगती है, पानीपत से, जींद से, रोहतक से, जज्जर से, ये तो है चार जिले, एक दो तीन चार, एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और एक है जो यूपी का बागपत डिस्ट्रिक्ट है वो लगता है। यहाँ की जनसंख्या 14.5 लाख है 2011 के अनुसार, क्षेत्रफल 2260 वर्ग किलोमीटर है, तहसील सोनीपत, गोहाना, गन्नौर, खरखोदा, और उपमंडल की बात करें तो यही है जो तहसील है, उप तहसील की बात करें राई, खानपुर, कला। एक बार इसको इरेज कर देता हूं। सोनीपत अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा क्षेत्र है ये, नगर निगम भी है जो 2015 में बना है लोकसभा, यहां से बीजेपी के सांसद है कौन है, रमेश कौशिक, रमेश कौशिक, और यहां विधानसभा क्षेत्र की बात करें पांच विधानसभा क्षेत्र है, पांच विधानसभा क्षेत्र है, एक तो सोनीपत है खुद सोनीपत, और दूसरा है
यहां से सोनीपत से कौन है? सुरेंद्र सुरेंद्र पनवार, जो कि किसके हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस के, सोनीपत से। और राय से बात करें हम, मोहनलाल बारडोली, जो कि किसके हैं? बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के। और बात करें गन्नौर से, तीसरी विधानसभा कौन सी है? गन्नौर, निर्मल रानी। कौन है? निर्मल रानी, जो कि कौन सी पार्टी से है? बीजेपी से। कौन सी है? बीजेपी से, ठीक है। और एक आएगा गोहाना, एक गोहाना, गोहाना से बात करें जगवीर सिंह मलिक, लगातार बनते आए हैं। ये किससे है? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक जो सीट रहती है राई के, खरखोदा, यहां से है जयवीर सिंह। ये जगवीर सिंह था, ये जयवीर सिंह है, जो कि किससे हैं? INC, यानी सोनीपत के अंदर कांग्रेस की 3 सीटें हैं और बीजेपी की क्या है? 2। कितने हैं बीजेपी की? सोनीपत के अगर अंदर बात करें RTO नंबर, जैसे रोड टैक्स ऑफिसर में भी कौन सा व्हीकल रजिस्ट्रेशन, सोनीपत शहर की खुद बात करें, यहाँ पर नॉन कॉमर्शियल जो HR 10 है और HR 69 वे जो 69 RTO का नंबर है वो कॉमर्शियल है, छोटे वाहनों का 10 है, बड़े का क्या है? 69। अगर खरखोदा की बात की जाए, खरखोदा HR क्या बनेगा? ये HR बनेगा 79, इसके 10 वाला बात। और गन्नौर से बात करें और उसके बाद गन्नौर के बाद आता है गोहाना, गर्मी बहुत हो रही है, गन्नौर से पड़ता है 42 HR 42 और ये पड़ता है HR 11। ये थे आपके, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 10 और 69, 79, 42 और 11। प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करें, या इससे पहले सोनीपत का जो संस्कृत भाषा में इसका नाम सोनप्रस्थ, क्या नाम था? सोनप्रस्थ से हुई है, या सुनहरी स्थल जिसको इंग्लिश में गोल्डन सिटी बोलते हैं। महाभारत में जिसका जिक्र आता है कि जब 5 गांव की बात हुई थी, उनमें से एक था, दुर्योधन से युधिष्ठिर ने इस गांव की मांग की थी। प्रसिद्ध व्यक्ति सबसे पहले मेजर होशियार सिंह की बात करें, ये पहले मेजर थे, लेफ्टिनेंट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, जिनका जन्म 5 मई 1936 को हुआ और पहले हरियाणा के ऐसे परमवीर चक्र विजेता थे ये, जो 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, भारत पाक जब बांग्लादेश आजाद हुआ उसके दौरान, उस लड़ाई में इन्होंने जीत हासिल की थी और इनको क्या दिया गया? परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद मीमांसा मलिक, कौन है मीमांसा मलिक, जो कि क्या है? टीवी एंकर है, जी न्यूज की क्या है? टीवी एंकरिंग करती है। और मेघना मलिक मैंने जब फिल्मी जगत में भी करवाया था इससे पहले, तो ये क्या है? एक्टर्स यानी हीरोइन का अभिनय करती है, रोल करती है। इसके अलावा 2 मलिक बहने हैं, उससे पहले मैं योगेश्वर दत्त को समझाता हूँ आपको। योगेश्वर दत्त सोनीपत के भैंसवाल गांव से, और ये कौन सा गेम खेलते हैं? कुश्ती, जिन्होंने ओलंपिक में भी क्या किया था? पदक जीता था, क्या जीता था? ओलंपिक में पदक जीता था।
इसके अलावा तुंसी मलिक और मुंशी मलिक, जुड़वा बहने जो कि क्या है पर्वतारोही, और एक है यहाँ का मौसम खत्री। मौसम खत्री भी कौन सा गेम खेलते हैं? कुश्ती। जैसे ये क्या खेलते हैं? कुश्ती खेलते हैं। ये भी पदक हासिल किया था ओलंपिक में। इसके अलावा बात करें, एक और है खिलाड़ी है पंतजलि घी के ब्रांड एम्बेसडर है ये, सीमा अंतिल है, जो कि क्या खेलती है? हॉकी। सीमा अंतिल जो कि क्या खेलती है? हॉकी। ये तो थे सोनीपत के प्रसिद्ध व्यक्ति। उद्योग एवं शिक्षा, उद्योग एवं शिक्षा की बात करें सोनीपत में, उद्योग तो वे एक तो एटलस उद्योग है साइकिल, जिसकी बहुत दूर तक पहचान थी, अभी बंद हुई है ये, 1951 में लगा था। दूसरा है एथेनॉल। एथेनॉल का नाम साइंस में आता है इथाइल एल्कोहल भी है, इथाइल एल्कोहल एल्कोहल, और फार्मूला होता है जैसे C2H5OH। शिक्षा की बात करें यहाँ पर, तो एक तो है भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी, जो उत्तर भारत की फेमस यूनिवर्सिटी है, कहाँ है? खानपुर कला में, एकमात्र महिला यूनिवर्सिटी उत्तर भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है खानपुर में, जिसका नाम है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। और एक है दीन बंधु सर छोटू राम फूड एवं टेक्नोलॉजी, कहाँ है? मुरथल के अंदर। एक है अशोका यूनिवर्सिटी, ठीक है। और राय के अंदर बात करें, वो मोतीलाल नेहरू खेल स्टेडियम है, वो उसके अंतर्गत नहीं आता। और कुंडली में राजीव गांधी एजुकेशन सिस्टम है, जो दिल्ली के आईआईटी के नजदीक लगने के कारण इसको एजुकेशन सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजुकेशन सिटी। पर्यटन स्थल की बात करें यहाँ पर, चकोर है। क्या है? पर्यटन स्थल कौन सा है? चकोर। पर्यटन स्थल क्या है? चकोर है। क्या है? चकोर। अब देखो 1871 में यहाँ पर खुदाई के दौरान, एक तो सर शेषनाग की शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है। भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है फजीलपुर से। कहां से? फजीलपुर। और एक यहां से हर्षकालीन ताम्र मुद्रा यानी तांबे की ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई। और अगर यहां पर मेले की बात की जाए, मेला सतकुंभा का लगता है खेड़ी गुज्जर गांव में। कहां पे? खेड़ी गुर्जर कह लो या गुर्जर गांव में। इसके अलावा मकबरा, खिज्जर खान का मकबरा भी यहां पर है। मकबरे की बात करें, खिज्जर खान या खान का मकबरा यहां पे बनाया गया है, जो किसने बनवाया था? इब्राहिम लोदी ने। किसने? इब्राहिम लोदी ने अपने शासनकाल में, इब्राहिम लोदी ने अपने शासनकाल में बनवाया था। एक पीर जमाल की दरगाह है यहाँ पे। क्या है? पीर जमाल की दरगाह, पीर जमाल की दरगाह है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की प्रतीक, ठीक है। मामू भांजा एक दरगाह है, जो कि किसमें है? एक शिव मंदिर में। किसमें है? इनके नाम है जैसे इमाम नसरुद्दीन, ये तो क्या था? मामा था। इमाम नसरुद्दीन व भांजा इब्राहिम अब्दुल्ला। भांजा कौन था? ये तो मामा था, और भांजा
अब्दुल्ला, पूरा नाम शायद उसका क्या है, इब्राहिम अब्दुल्ला, इब्राहिम अब्दुल्ला, ये भांजा और ये मामा, जो कि एक शिव मंदिर में है। कहाँ है? शिव मंदिर में इनकी दरगाह है, जो हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की अनूठी मिसाल है। इसके बाद बात करें हम अकबरपुर बरोटा, क्या है? अकबरपुर बरोटा, जो कि सोनीपत से उत्तर में 13 किलोमीटर दूर, सोनीपत से 13 किलोमीटर दूर उत्तर में एक दरवाजा है, जिसको अकबरपुर दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अरावती दरवाजा, क्या नाम जाना जाता है? अरावती दरवाजा, ठीक है। अब जो गन्नौर है, क्या गन्नौर के अंदर बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय अनाज मंडी, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अनाज मंडी, और जो फूलों का व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? फूलों का व्यापार के लिए, फूलों का व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। इतना ही था, पढ़ेंगे इसके बारे में। एक गोहाना का जो किला है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर जो गोहाना का किला है, गोहाना का किला किसने बनाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। तो यहाँ पर 1861 में घटना घटी, सरदार तेज सिंह वह व्यापारी था, फेरनमल व्यापारी था। उसके गांव का नाम था बुराना, क्या था? बुराना का एक व्यापारी था, जिसको इसको तो 1838 में, और इसको कब? 1839 में जबरदस्ती क्या बनाया गया? मुसलमान बनाया गया। क्या बनाया गया? मुसलमान। और उसको पहले गऊ धावना कहते थे, क्या बोलते थे? गऊ भावना, गवम भावना भी कहते थे। और ये किला किसकी याद में बनाया था? एक सेनापति होता था पृथ्वीराज चौहान का, दरिया सिंह, और उसका नाम भी उसने इसके नाम पे दरियापुर रखा था। क्या रखा था? दरियापुर। और बाद में 1192 में मोहम्मद गोरी ने इस किले को क्या करवा दिया? नष्ट करवा दिया। ये तो था इसके बारे में, गोहाना का किला दरियापुर रखा था और बाद में इसका नष्ट किसने करवाया? मोहम्मद गोरी ने। अगर बात करें मैं प्रमुख सांगी, सोनीपत को सांगियों की धरती भी कहा जाता है, प्रमुख सांगी, और जो सांग शब्द सवांग से बना है, और मेरठ के जो एक निवासी थे किशन लाल भाट, उसने जिसका जन्म तो मेरठ का बताया जाए तो कर्म भूमि रेवाड़ी के आसपास का क्षेत्र, जो हमने सांग की वीडियो में पूरा डिटेल बता रखा है। अब जैसे यहाँ पर दीपचंद बहमन की बात करें, दीपचंद बहमन, इसके गुरु पूछा जाए तो छाजूराम, ठीक है, और गांव इसका था शेरी खांडा, और इसको क्या क्या बोलते हैं? शेक्सपियर और कालिदास। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इसको राय साहब की उपाधि भी दी थी, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं दादा लक्ष्मीचंद। अच्छा, जन्म 15 जुलाई 1903, ठीक है। आपको पता है इसका जन्म किस में हुआ था? जंटी के अंदर, जंटी कला। कहाँ हुआ? जंटी कला के अंदर। गुरु की बात करें तो गुरु मानसिंह, शिक्षा अनपढ़, ठीक है, इनके सांग के गुरु मानसिंह, शिक्षा अनपढ़, लेकिन शिक्षा गुरु इनका था, शिक्षा गुरु टीकाराम शास्त्री, जिससे इन्होंने
वेदों की और शास्त्रों की शिक्षा ली थी। हाँ, मानसिंह का गांव पूछा जाए तो बसोदी गांव है। कौन सा है? बसोदी गांव। तो इनको बोलते हैं संपूर्ण कविता का कालिदास का कालिदास कविता का कालिदास और सूफी दर्शन की मीरा। अच्छा, इनको सूर्य कवि की उपाधि दी गई। किसकी? सूर्य कवि की उपाधि इनको दी गई। सूर्य कवि राष्ट्रपति के द्वारा सूर्य कवि थे ये। मृत्यु पूछा जाए तो 17 अक्टूबर 1945, लगभग 42 साल की उम्र में नश्वर संसार को छोड़कर चले गए थे। ठीक है, ये बात करें, एक हुए हैं बाजे भगत। भगत सोनीपत के ही सिसाना गांव के। कौन से? सिसाना गांव के। 1911 में जन्मे और 1939 के आसपास इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। ठीक है, लक्ष्मीचंद के बारे में एक बात बताता हूँ। इन्होंने गुरु तो धारण किया था मानसिंह को, लेकिन सांग इन्होंने किसके बेड़े में सीखा था? सोहन सिंह। सोहन सिंह कुंडल निवासी जो भिवानी के अंदर है, सोहन सिंह कुंडल निवासी भिवानी के अंदर। तो इन्होंने बल्कि बुरा भी माना, भाई तुम उसको ऐसा क्या है मानसिंह में उसको गुरु बना रहे हैं। तो तभी इन्होंने इनका बेड़ा छोड़ दिया और गुरु की भक्ति में लग गए। अनपढ़ थे बिल्कुल, जिक्र कर रखा है मैंने सांग की वीडियो में पूरा डिटेल से। अगर बात करें हम दादा मांगेराम, दादा मांगेराम की बात करें, जन्म कहाँ हुआ इनका? पाणची में, सॉरी पाणची में तो रहते हैं इसके फैमिली। जन्म हुआ सिसाने में, ये इनकी नाना के घर रहते थे। अभी बताऊंगा मैं डिटेल में जन्म कहाँ हुआ सिसाना में। और इन्होंने अपना जो नाना के घर, क्योंकि इनके नाना के कोई संतान नहीं थी पुत्र, जैसे तो लड़कियां थी, इनके मामा नहीं थे सगे, तो ये कहाँ रहने लगे? पाणची के अंदर। जिक्र भी कर रखा है पाणची में रहने लग गया मांगेराम सिसाने का। भाई पहले मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया लक्ष्मी चंद के डेरे में। ठीक है, इस तरह का बहुत सारा जिक्र है, कितना ही बढ़ा लो इसको। पाणची के अंदर रहते हैं। अभी 9 मई को इनके ज्येष्ठ पुत्र, अभी 9 मई 2021 को इनके बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र ताऊ नवरत्न का कोरोना की वजह से देहांत हो गया है। बड़ी दुखदायी घटना थी ये। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको उपाधि दी जाती है शिरोमणि कवि की, नवरत्न शिरोमणि की। और 1967 में 16 नवंबर जन्म तो बता दूं एक बार, 5 अप्रैल 1905 को जन्मे, 16 नवंबर 1967 को इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए। और 1962 में इन्हें गंधर्व सभा का भी गठन किया था। ये इसके बारे में इतना ही। एक बात आते हैं लास्ट, जो इस जगह से थे फौजी मेहर सिंह। फौजी मेहर सिंह सोनीपत की दया खाप से जन्मे, गांव बरोना, बरोना के अंदर, और लगभग इन्हीं के समकालीन थे। गुरु मानने इनको लक्ष्मी चंद को, और ये फौजी ज्यादा रोमांटिक गाने ही बनाते थे। साथ रहनी असंग के साथी, दया मेरे पे कर दियो, देश के ऊपर जान को दिल्ली की चिट्ठी में घेर दियो, चिट्ठी लिखा करते। और बहुत सारी रोमांटिक, भाई निश्चय चाल टैंक बैरियर ऊपर जा जवाई, हर वेले मुंदे पड़पड़ गोली मारा जवाब याद लुगाई। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय हरियाणा।